हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है संडे 24 जैन और मैं नहाकर पूजा वूजा कर ली हूँ, देखकर आपको लग ही रहा है। और बाल मेरे अभी सूखे नहीं हैं, बहुत दिन के बाद, 1 वीक के बाद, 1 सप्ताह के बाद मैं शैम्पू कर रही हूँ। इतना ठंड है यहाँ, इतना खुला जगह है और बहुत ठंड है, काफ़ी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, इसलिए तो मैं इतने सारे शूट भी नहीं कर पाई, वीडियोज़ वगैरह कुछ नहीं बना पाई। लेकिन अभी मैं बनाऊँगी चाय, और ये गुड़ वाली चाय। 15-16 दिन हुआ है गाइस मैं गुड़ वाला जो सुबह का लेकर चाय ले रही हूँ, उसके बाद दूध वाला चाय लेती हूँ, वो भी गुड़ के साथ। तो इसका टेस्ट थोड़ा अलग रहता है, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो चलो भाई चाय पी लेते हैं। ये मेरा चाय बन रहा है और मैं यहाँ पे कप में अपने ग्लास में चाय पी रही हूँ और गुड़ डाल के रखी हूँ। चलो बन गया मेरा चाय। आपके साथ बात कर रही हूँ और चाय ले रही हूँ। सो गाइज, आज का लंच मैं आपसे शेयर करती हूँ। आज का लंच ही मैं आपको दिखाऊंगी, वो है मोचा घंटो। मोचा का रेसिपी दिखाऊंगी, ये बनाना ब्लॉसम भी कहते हैं इसको, जो केला का जो फूल है, फूल ना गो, केला का जो फूल है जहाँ से केले भी होते हैं, मतलब आपको दिखाती हूँ मैं, उतना अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती, बट हम लोग इसको मोचा कहते हैं और बंगालीज लोग इसको बहुत शौक से बनाते हैं और बहुत टेस्टी भी लगता है, वो मैं शेयर करने जा रही हूँ और उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। मिठास आपको उतना ही मिलेगा, बट गुड़ का है, थोड़ा सा टेस्ट आपको अलग लगेगा, थोड़ा डिफरेंट है टेस्ट में। अगर आप इसकी आदत लगा लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे इसकी आदत लग चुकी है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पर ट्राई करके देखना गुड़ वाला चाय कैसा लगता है, लेकिन बहुत हेल्थ बेनिफिशियल है। चलो अब उसके बाद मैं चावल चढ़ाऊँगी और मोचा घंटो कैसे बनता है मैं वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और ये वीडियो अच्छा लगे, बहुत छोटा सा ही मैं ये वीडियो बनाऊँगी, या लंबा चौड़ा ब्लॉग नहीं कर रही हूँ। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, देखते हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आप भी कहते हो ना, हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ मैं, तो भाई ये हम लोग का अधिकार है बोलना, बोलती हूँ, बस आप लोग का सपोर्ट ही मेरे लिए सबसे बड़ा औजार है। मैं लंच में बनाऊँगी मोचा, हाँ इसे बनाना ब्लॉसम भी कहते गाइस, ये वाला है ना, इस तरह से निकालूंगी। ये खाने में जितना टेस्टी है उतना ही इसको करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। ये देखो, इसको इस तरह से निकालना पड़ता है, ऐसे इसको इस तरह से निकालना पड़ता है, और इसमें जो ये रहता है ना, सॉरी, हाँ ये फूल, इसको सब निकालूंगी। अब इस तरह से मुझे सारा निकालना होगा, और इसमें क्या जाएगा बताएं, इसमें अगर मैं ये खोलती हूँ तो इसमें छोटा सा कली, इस तरह दिख रहे हो ना डंटी, ये निकलेगी और ये वाला निकलेगी, बाकी ये सारा मुझे अलग रखना है। इस तरह से करके मुझे सारा चुन के ये काम करना होगा अभी, उसके बाद ये कैसे बनता है मैं वो आप लोग साथ शेयर करूँगी। देखो इसमें से ये जो है, ये वाली, ये निकालना पड़ता है, और इसका ये वाला भी पोर्शन निकालना पड़ता है। इसे मैं चुन चुन के सारा निकालूंगी, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे जब शेयर करती हूँ, पहले मैं ये काम कर लूँ। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट तो होती है, बट ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। देख रहे हो गाइस, ये निकल रहा है, ये सारा फूल इस तरह मुझे निकालना पड़ेगा और चुन चुन के रखना पड़ेगा। गाइस देखो, ये सारा पिस्टल और ये जो मोटा वाला जो है, ये सब मैंने हटा लिया है, और ये देखो इतना सब निकल के निकल आया है, ये सब भी है,
अब मैं क्या करूँगी, इसका जो लास्ट वाला पोर्शन होता है ये वाइट वाला, इसे मैं काटूँगी। गाइस मैं इसे कुकर में चढ़ा चुकी हूँ और मैं अब इसमें डालूँगी थोड़ी सी नमक और हल्दी, फिर इसे थोड़ा बॉयल होने देंगे, इसे सॉफ्ट होने देंगे थोड़ा सा हल्दी। अब मैं इसे सॉफ्ट होने दूँगी, थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसे मैं मैश करूँगी। देखो ये बॉयल भी हो चुका है और थोड़ा सा ठंडा भी हो गया ताकि मैं मैश कर सकूँ। तो देखो इस तरह मैं मैश कर रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, पेस्ट नहीं बनाना है इसको गैस। सो गैस तेल गरम हो रहा है मेरा और फोरन में ही मैं डाल रही हूँ एक सूखी लाल मिर्च, दो तेज़पत्ता और जीरा, ये मैं यहाँ डाल दूँगी। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें आलू। संभाल के आलू को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले आपसे बता रही हूँ, यहाँ थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा, हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च और गरम मसाला। इसे मैं थोड़ा सा पानी में घोल लूँगी और उसके बाद आलू जब फ्राई हो जाएंगे तो मैं डालूँगी। ये मेरा आलू फ्राई हो चुका है और ये जो मसाले जो हैं वो मैंने पानी में मिक्स कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक का पेस्ट भी रखा है, इसे मैं बोलना भूल गई थी, तो ये मैं डाल दूँगी। सारे मसाले भी डाल दूँगी। वैसे इसमें आप देख रहे हो थोड़ा चीनी भी है और यहाँ पे नमक भी है जो मैंने बाद में डाली थी। अब अच्छे से इसको मैंने चला लिया है और मसाले में तेल भी छोड़ दिए हैं, यानी अच्छे से ये कुक हो गया है। अब लास्ट काम ये है कि मुझे मोचा को, मैश किया हुआ मोचा को इसमें डालना है। ये डाल के अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। तो गाइस ये बन के रेडी हो गया, देखो ये कढ़ाई पे लग चुके हैं। अब इसमें मैं लास्ट में दे दूँगी घी, क्योंकि गरम मसाला मैंने पहले ही डाल दिया है, आप बाद में भी गरम मसाला दे सकते हो। तो ये घी दे दिया, अब ये बन गया है और इसको मैं ग्रेटेड कोकोनट के साथ गार्निश करूँगी। तो गाइस ये रहा मेरा मोचा रेसिपी, इसको मैंने प्लेटिंग कर लिया है और अब मैं इसे डालूँगी, अच्छा सा गार्निशिंग दूँगी। तो मैं ग्रेटेड कोकोनट के साथ गार्निशिंग करती हूँ। एक्चुअली इसमें ये ट्रेडिशनल बंगाली रेसिपी है और इसमें आप पहले भी इसमें कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट दे सकते हो, मैं बाद में दे रही हूँ क्योंकि इसमें मैं मिक्स कर लूँगी, फिश सर्व करूँगी। तो लंच के लिए ये तैयार है, उसके साथ मैंने अंडा करी भी बनाया है। कैसा लगा ये रेसिपी ज़रूर बताना और एक बार ज़रूर ट्राई करना क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस बनता है।